बेटा और ठीक है खूब तरक्की है ना मेरा बच्चा फाइव फाइनलिस्ट आवर नेम इज कोहिनूर चाचू को याद ही नहीं वो चाचू है आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू एवरी वन एवरी इंडिविजुअल गर्ल हियर इन हिमाचल आई वुड वॉन्ट टू से दैट ड्रीम बिग बिलीव इन योर सेल्फ एंड अचीव इट टू हार्ड वर्क ऑल वी नीड इज कॉन्फिडेंस थैंक यू तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ पली बड़ी हूँ और मेरा स्कूलिंग के भी शिमला से हुआ है और बस यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज है मेरी और स्टार्ट इट वॉज मैं बहुत खुश थी अच्छा फील हो रहा था जब आ रही थी और बहुत सारी मेमोरीज थी जो मुझे याद आ रही थी बस वही था खुशी थी आई थिंक उसके अलावा ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था और जब ये मौका आया तो उस समय मैं उतना श्योर नहीं थी शैल आई डू इट कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर अंत अंत में मुझे लगा कि क्यों नहीं मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं मॉडलिंग करती रहती थी कॉलेज में भी सो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म था और मुझे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा तो मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी को चाहिए मैंने रजिस्टर किया फिर मैंने रजिस्टर किया और उसके बाद जैसे जैसे मेरी जर्नी शुरू होती गई मैं आगे बढ़ती गई मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती गई क्योंकि मैंने इस किताब का एक होता है मायना समझा देखा मेरी जर्नी के थ्रू और मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड फियरलेस होते होते आई केम टू दिस पोजिशन तो जैसे कि मैं अपने पिता के बारे में बता रही थी ही वॉज माई बिगेस्ट चीयरलीडर मैं आज जो इंडिपेंडेंट हूँ अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि कैसे अपने लिए खड़े होना है तो मेरे लिए कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या मुझे करियर मुझे अपना स्टडीज में चूज करना है जिसमें मेरा शौक था उसमें मेरे जितने भी यहाँ परिवार के लोग मौजूद हैं सबने पूरा पूरा सपोर्ट किया तो कभी ऐसी तो इश्यू था ही नहीं कि मुझे मॉडलिंग में जाना है तो जाओ तुम्हें स्टडीज अच्छे से करनी है करो तुम्हें आर्ट अच्छे से करना है करो तो मुझे सपोर्ट की कभी कमी नहीं रही है हाँ अकेले मैंने तय किया है क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपनी जर्नी तो खुद ही करनी पड़ती है बट सपोर्ट माई फ्रेंड्स आर हियर माई मेंटर इज हियर माई मदर इज हियर टॉकिंग अबाउट जब मेरे पिता नहीं रहे क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रांग थी मैं उस टाइम मेरी मॉम को संभाल पाई खुद को संभाल पाई अपने भाई को संभाल पाई क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया था जाते वक्त उनके मुझे एक चीज याद थी कि अगर वो यहां होते और कोई और होता यू नो इफ इट वॉज माई मदर ही कुड हैव नॉट सीन मी लाइक दैट ही वुड हैव वॉन्टेड मी टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ मी तो वो उनके इतने सालों का सेक्रीफाइस कि मैं डर जाऊं या पीछे हट जाऊं वो अच्छा नहीं था दैट वुड हैव बीन हिज डिसरिस्पेक्ट सो आई मेड श्योर कि मैं अपने केयर करूं मॉम की केयर करूं अपनी फैमिली में सबको संभालूं और अपने आप को संभालूं सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम ऑनेस्टली एंड क्योंकि आपने उनकी बात की है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ही इज माई बिगेस्ट रोल मॉडल ही हैज बीन एन ऑनरेबल मैन बहुत ऑनेस्ट इंसान वाइज और फिर भी बहुत हम्बल तो मैंने उनसे सीखा कि कैसे बुरी सिचुएशंस में खड़े होना है एंड टॉकिंग अबाउट माई मदर शी इज वेरी इमोशनल एंड एवरीथिंग बट शी इज वेरी स्ट्रांग मेरे डैड वाइज थे पर मेरी मॉम स्ट्रांग थी तो मुझे दोनों चीज मिली है तो आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड व्हेन आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई कैन अचीव एवरीथिंग थैंक्स फॉर दैट भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए